संसार की सब देशों की किसी भी धर्म के अंदर हूँ, किसी भी पंथ के अंदर हूँ, किसी भी मजहब के अंदर हूँ, किसी भी प्रकार से रह रहे हूँ, चाहे पहाड़ों के अंदर हूँ, चाहे जमीन के ऊपर हूँ, सबकी यही हालत है मानव की, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। हम बाहरी निरीक्षण में इतने फंस जाते हैं, हम आत्म निरीक्षण नहीं कर पाते। यही निरीक्षण अगर हम अपने साथ करें तो उसका लाभ का आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कितना लाभ होगा। अगर हम अंदर में उतर करके ये निरीक्षण करें, हमने आज किसका भला किया, किसका बुरा किया, हमारे मन वचन शरीर से किसी का क्या दुख हुआ, क्या परेशानी पैदा की हमने, कितना दिल दुखाया, किसको गलत रास्ते पर चलाया, किसको सही रास्ते पर चलाया, क्या हमने अच्छा किया, क्या गुण ढूंढे, अपने अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, किस प्रकार से मुझे ये कमियां दूर करनी है, कैसे इन दोषों को दूर किया जा सकता है, कैसे किस प्रकार से एक एक कमी को निकाल करके, जिस प्रकार से एक एक धागे से वस्त्र तैयार होता है, वस्त्र ऐसा नहीं कि एकदम से बिछाया और बन गया, एक एक धागे से तैयार होता है। पहले हाथ से खड्डियां चलाई जाती थी, आज मशीनों के द्वारा इतना आधुनिक आ गया है, फिर भी वस्त्र तैयार करने के लिए एक एक धागे का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एक एक दुर्गुण को धागे की तरह से उखाड़ उखाड़ करके फेंक देंगे और सगुणों को, गुणों को धागे की तरह से पिरो करके वस्त्र तैयार कर देंगे तो आप अपने जीवन को बदलता हुआ पाएंगे। और ये जीवन जब आपका बदलाव में आएगा, आपको अंदर में आंतरिक खुशी उत्पन्न होगी। ये दिखावे की मुस्कान, दिखावे की हंसी, दिखावे की खुशी जो आप संसार को दिखाने के लिए, संसार को जो आपके अंदर छुपा हुआ है उसको छुपाने के लिए ये दिखावे की हंसी हंसते हो, ये गायब हो जाएगी। और जो अंदर में खुशी चल रही है, जो इंटरनली है, वो बाहर निकल करके आने लगेगी, वो आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देने लगेगी। आप ना हंसोगे ना मुस्कराओगे तो भी वो झलक, वो तेज चेहरे के ऊपर निकल करके आएगा, अलग ही दिख जाएगा। चाहे लाखों के अंदर छोड़ दो इस जीव को, अपने आप निखर करके आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। जब हम आत्म निरीक्षण करने लगेंगे, हम मन को देखने लगेंगे, मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किसका अच्छा सोच रहा है, किसका बुरा सोच रहा है, क्या अच्छा है जीवन के लिए, क्या अच्छा है उस लोक के लिए, क्या अच्छा है उस परम तत्व के लिए। जब ये निरीक्षण करने लगेंगे, हमने आज क्या किया, कितनी साधना की, कितना समय लगाया। जिस प्रकार से एक खेलने वाला खिलाड़ी हर रोज अभ्यास करता है तो ये जांच परख करता है, आज मैंने आधा घंटा अभ्यास किया, आज मैंने एक घंटा अभ्यास किया, कल डेढ़ घंटा अभ्यास करूँगा, धीरे धीरे आज एक टाइम अभ्यास किया, कल दो टाइम अभ्यास करेंगे। और इसी प्रकार से वो अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। उसी प्रकार से साधना का अभ्यास जब आप बढ़ाते चले जाएंगे, ये मन जो आप बार बार सवाल करते हैं, ये मन नहीं रुकता, मन नहीं रुकता। मन कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो ना रुक सके, लेकिन हम मन को न रोक करके हम चाहते हैं कि सब कुछ मेरे अधीन हो जाए, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, संसार ऐसे चले जैसा मैं चाहूँ, घर गृहस्थी ऐसे चले जैसा मैं चाहूँ, सब कुछ मेरे अनुरूप चले और बहुत ताकतें प्रदान हों। ये जब हम सोचने लगते हैं तो मन अधीन कहाँ करने चले हम, मन को रोकने के लिए कहाँ चले हम, मन से तो हम दूर जा रहे हैं, साधना से तो हम दूर जा रहे हैं, माया की ओर बढ़ रहे हैं।
लेकिन मन को जिसने रोकना है, मन को जिसको काबू में करना है, जिसको साधना की तरफ बढ़ना है, करोड़ों अरबों लोग इस साधना की शुरुआत में चलते हैं कि अरबों लोगों ने साधना शुरू कर दी। वो लोग, कुछ लोग सोचते हैं परंपरा के अनुसार, जैसे दीपावली के ऊपर पटाखे बजा दिए और कुछ कर दिया, होली के ऊपर रंग गुलाल, और जिन भी धर्मों के जैसे जैसे ये चले हैं सब के अनुसार अपने अनुसार करते हैं, इसी को साधना मान लेते हैं। हाँ, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं, हम उसका नाम रटते हैं। वो लोग पहुँचते नहीं हैं, वो संसार के अंदर ही खो जाते हैं। अरबों लोग पैदा होते हैं, मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग साधना की कोशिश करते हैं। और वो इनके साथ साथ जो चल रहे थे, कभी कभी ये संकल्प आता है ये संसार नश्वर है, नाश होने वाला है, मिथ्या है, मिट जाएगा एक न एक दिन। तो इस प्रकार का जब उनके मन में विचार उत्पन्न होता है तो वो सोचते हैं साधना करनी चाहिए। तो कुछ लोग तो यही रह जाते हैं सोच करके कि साधना करनी चाहिए, इसी शब्द के ऊपर अटक करके रह जाते हैं। कुछ लोग जो आगे बढ़ते हैं वो साधना शुरू करते हैं, फिर वो साधना का प्रयास करते हैं। कोई किसी प्रकार से योग साधना करता है, कोई किसी प्रकार से पूजा पाठ करता है, कोई कन्हैया को ले आता है, कोई परिक्रमा करता है, कोई तलाश करता है पुस्तकों के अंदर, कोई वेदों के अंदर खोजता है। तो इस प्रकार से बहुत लोग प्रयास शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो साल 6 महीने अभ्यास करके रुक जाते हैं, उनमें कुछ लोग और ऊपर उठ करके इन चीज़ों की प्राप्ति कर लेते हैं, खोज कर लेते हैं। फिर वो लोग तलाश करते हैं गुरु की, और वो उस गुरु की, आचार्य की, पूर्ण गुरु की, जो दिशा दिखा सके और वहाँ तक लेके जा सके, प्राप्ति करा सके उस परमात्मा की, फिर वो लोग और ऊपर उठ करके साधना करते हैं। और जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है, आगे का मार्ग दिखने लगता है, मन काबू में होने लगता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। लेकिन ये मन काबू में हुए बिना नहीं हो सकता। बहुत लोग प्रयास करते हैं मन को पकड़ करके बैठ जाए किसी भी प्रकार से, लेकिन वो मन को न पकड़ करके सांसारिक वस्तुओं को पकड़ करके बैठ जाते हैं। जब आप साधना में बैठते हो तो संसार की जितना भी आप कर्मकांड करते हो, संसार के अंदर रहते हो, जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं संसार के, जितना भी संसार का व्यवहार होता है, जितना भी लेन देन होता है, सब का सब विचारों में चलता रहता है।